हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेडी सापकड़ा में। तो आज हम आपको बात करने वाले हैं इस स्प्रे पंप की मोटर के बारे में कि ये स्प्रे पंप की मोटर किस तरह से वर्क करती है, उसके बारे में हम आप आज को बताएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखते रहना कि वो किस तरह से वर्क करती है और उसके अंदर कौन कौन से और किस तरह के पार्ट्स लगे हुए रहते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इसको पहले खोल लेते हैं मोटर को। ये दोनों साइड खोलने के बाद इसके अंदर ये जो बेयरिंग आती है उसके कारण ये सब पानी वो सब पानी को उठाती है। ये बेयरिंग है वो इस तरह से वाइब्रेट होती है, कभी ऊपर जाती है और नीचे आती है, उसके कारण उसके अंदर जो ये रबर के पार्ट्स लगे हुए हैं फाइबर के उसमें वाइब्रेशन पैदा होते हैं। वाइब्रेशन पैदा होने के कारण ये नॉन रिटर्न वाल्व के जैसा काम करती है, इससे वो पानी को आगे धकेलते रहते और वापस नहीं पड़ने देते। तो वो भी इसको अंदर देख के खोल के देखते हैं कि किस तरह के पार्ट्स होते हैं। दोस्तों ये जो स्विच हमको देखने को मिलती है ये ऑटो कट और ऑफ हो जाती है, जब भी प्रेशर ज़्यादा होने पर ये मोटर को बंद कर देती है। यहाँ से पावर आता है और एक साइड से चला जाता है। तो ये स्विच आती है वो ऑटो कट के लिए आती है, जब भी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तब ये स्विच ऑटोमेटिक इस तरह से दब जाती है और पावर मोटर में बंद हो जाता है। तो ये मोटर की हेड की सेफ्टी के लिए है, बहुत ज़रूरी है स्विच। तो इस मोटर को हम रखते हैं साइड में और इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, तो इसको खोल के देख लेते हैं। अब इसके अंदर हम खोल के देख लेते हैं, ऊपर की साइड है और ये निचली वाली साइड है, उसको आपको ध्यान से देखना रहता है कि कौन सी साइड ऊपर वाली है और नीचे वाली है, कि उधर उधर हो जाता है तो जो ये स्विच आती है ऑटो कट की यहाँ से उसकी साइड भी ऊपर चली जाती है। तो इस तरह से जो ये अभी आप उल्टा लगा दिया तो इस तरह से होता है। अब ये स्विच जो यहाँ पर फिट होती है वो इस तरह से ये जो हमको खांचा दिखता है उसमें रहती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह इस तरह से फिट नहीं होगी, फिर इस तरह से होगी। तो आप जब भी फिट करो तो उसको ध्यान से देखना पड़ता है कि वो साइड ऊपर वाली ऊपर रहे और नीचे वाली नीचे रहे, और इस तरह से आसानी से फिट हो जाता है। अब हम उसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स है और किस तरह से वर्क करती है। तो दोस्तों ये सब प्लास्टिक का मटेरियल आता है सब, उसके अंदर ये जो आता है वो रस का आता है, फाइबर बोलते हैं उस तरह का। और ये के स्प्रिंग यहाँ पर लगी हुई है, ये स्प्रिंग जो दिख रही है ऊपर वाली वो यहाँ पर जो ये फाइबर का पार्ट है छोटा सा आपको दिखाते हैं, ये पार्ट्स ये छोटा सा पार्ट है वो यहाँ पर जो ये रबर की रिंग लगी हुई है उसके अंदर इस तरह से फिट रहता है इस तरह से। और ये स्प्रिंग जो रहे उसमें जो स्प्रिंग लगी हुई है वो इस तरह से रहती है, और जब ये पैक होने पर ये स्प्रिंग दबा कर रखती है और फाइबर के पार्ट्स है उसको दबा कर रखती है, इसलिए जो पानी एक बार अंदर आता है इस तरफ से पानी अंदर आता है और इस साइड से बाहर निकलता है। उसमें भी ये एरा दिखाया लगाया हुआ है कि इस तरफ से पानी आता है और ये जो एरा है उस तरफ पानी बाहर निकलता है, तो इस साइड से पानी आएगा जब भी ये मोटर वाइब्रेट होगी और ये इस तरह से ऊपर होगा और बाद में नीचे जाएगा, तो उस तरह से उसमें वाइब्रेशन के कारण ये जो हमें दिखाई दे रहा है सफ़ेद कलर का उस वो ऊपर नीचे होता है, इसके कारण ये भी ऊपर नीचे होता है। हम अभी आपको चालू करके दिखाएंगे कि किस तरह से वाइब्रेट मोटर करती है, उसके कारण पानी खींचते हैं और हमें प्रेशर बहुत बढ़िया मिलता है। तो बैटरी लाते हैं, ये हमारे पास बार बार की बैटरी है जो कि स्प्रे पंप में लगती है, वो बैटरी है। हम नजीक से दिखाते हैं कि ये देखो धीरे चलेगी तो आपको दिखा देगा, लेकिन फास्ट फास्ट चलने पर आपको नहीं दिखा देगा। तो
वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट कर रही है, इसलिए नहीं दिखाया गया है। ये वाइब्रेट के कारण ही इसमें पानी ऊपर जाता है और खींचता है। आपने अभी देखा होगा कि किस तरह से वाइब्रेट के कारण वाइब्रेशन होने से इसमें हवा पैदा होती है और हवा के कारण ये नॉन न्यूटन वाल्व जैसा काम करते हैं और इस तरह से ये पानी को आगे धकेलती है और वापस एक बार इसके अंदर भी यहाँ से पानी अंदर आएगा, इस तरफ से यहाँ से अंदर आएगा और यहाँ पर आने के बाद इस तरफ धक्का देगा, क्योंकि ये प्रेस हो जाता है, अंदर एक स्प्रिंग आती है उस तरह से ये प्रेस हो जाती है और साइड में से यहाँ से जो हमें यहाँ पर होल दिख रहे हैं चार, वहाँ से पानी अंदर चला जाता है और बाद में पानी इस तरफ जाने के बाद वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग उसको वापस इस तरह से जिस तरह दबा रखते हैं उस तरह ये स्प्रिंग भी, तो ये स्प्रिंग भी इस तरह से वो अंदर से दबा कर रखती है। तो हम इसको उसके अंदर की साइड हम भी निकल के दिखाते हैं किस तरह से वो उसके फिटिंग की हुई है। अब ये एक साइड ही है, इसी ऐसी दूसरी साइड इस तरफ है, वो भी निकाल कर इस तरह का ही उसमें रहता है। जो यहाँ पर ये स्प्रिंग है वो इस पार्ट्स को दबा कर रखते हैं, पानी वापस नहीं जाने देता है। तो इसको हम निकालते हैं, पहले ये ऊपर वाली साइड है, ये नीचे वाला, ये सामने रहते हैं जो ये हमने निकाले दोनों, ये दोनों सामने रहते हैं, एक इस तरफ रहता है और एक इस तरफ रहता है, दोनों सामने रहता है, इसलिए इस तरफ पानी इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा, दोनों साइड से पानी अंदर आएगा और ये दोनों साइड इस तरफ से और इस तरफ से अंदर जाएगा पानी यहाँ पर। तो अब हम इसको भी निकालते हैं, देखते हैं कि ये ऊपर वाली साइड है, इसको निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही पार्ट्स लगे हो रहते हैं जो कि आपने पहले देखा वैसे ही पार्ट्स रहता है और ये स्प्रिंग भी वैसी रहती है, वो ऊपर दबा कर रखती है, इस ये पार्ट से जो सफ़ेद वाला उसको इस तरह से ऊपर दबा कर रखती है ताकि पानी जो इस तरफ चला गया आगे इस तरफ वो वापस इस तरफ नहीं आएगा, क्योंकि एक बार ये पानी आगे धकलता है उसके बाद वापस नहीं आने देता है, ये नॉन रिटर्न वाल्व जैसा काम करता है। और ये स्प्रिंग लगी हुई है वो इस तरह स्प्रिंग इसलिए काम करती है क्योंकि वो जो सफ़ेद पार्ट से हमारा उसको यहाँ पर दबा कर रखती है तो वो सब निकल जाता है। ये हमारे पहले भी वीडियो कही है, इसमें हमने ये हेड की जो किट आती है उसको हेड की किट बोलते हैं, वो हमने रिप्लेस करके और जो पुरानी वाली है उसको बदल कर नई वाली डाली हुई है। तो आपको इस वीडियो को देखना है तो हम इसकी लिंक आई बटन में दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। किस तरह से ये सब निकल जाता है, ये स्प्रिंग है वो भी निकल यहाँ पर निकल जाता है इस तरह से, ये सब निकल जाता है आपस में। ऐसे पार्ट्स आते हैं वो छोटे छोटे वाले। अगर आपकी मोटर ख़राब है तो आप ऑफलाइन मार्केट पर जाइए और ये सब पार्ट्स ले आइए, ये पूरी किट ही आती है, तो ये किट आप डाल देंगे, ये सारी किट ये पार्ट्स सब, तो आपकी मोटर फिर से अच्छी नई जैसी हो जाएगी और नया जैसा जब आपने नई ली हो वैसा ही प्रेशर हो जाएगा। लेकिन जब आपकी मोटर में ये जो ये मोटर चलती है तब ज़्यादा आवाज़ करती है खर्र खर्र इस तरह से, ये इसमें जो जब उसमें जगह हो जाती है बेरिंग में तब ये मोटर ही पूरी मोटर ही बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उसके वाइब्रेशन पैदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें जो चलती है तब वाइब्रेट होता है, वो वाइब्रेट नहीं होता है क्योंकि उसमें जो चाल बोलते हम वो चाल ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उसको पूरी मोटर ही बदलनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह का हेड आता है, हेड तो कभी ख़राब नहीं होता है, लेकिन जब ख़राब होता है तो ये प्लास्टिक के पार्ट्स आते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ से ये टूट जाते हैं और अंदर पानी इस तरह इस मोटर में आ जाता है और यहाँ से ये ख़राब होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये मोटर किस तरह से वर्क करती है, और अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तो थैंक यू दोस्तों, बाय।